नमस्कार ग्लिप्स डॉट इन में आपका स्वागत है और मैं हूं आनंद। 13 दिनों से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को काम पर लौटने के लिए अंतिम नोटिस दे दिया गया है। बावजूद इसके आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने काम पर लौटने से इनकार कर दिया है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे हड़ताल स्थगित नहीं करेंगी और मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन इसी तरह जारी रखेंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शनिवार को धरना स्थल ईदगाह भाटा मैदान में थाली पीटकर प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने बताया कि हमें नगर निगम द्वारा 24 घंटे की अंतिम नोटिस दे दी गई है, लेकिन इससे हम डरने वाले नहीं हैं। नवरात्रि में भजन कीर्तन करके विरोध पर इसी प्रकार डटेंगे। उनका कहना है कि सरकार अगर इस तरह 50 नोटिस भी देगी तो हम लेने से इनकार करेंगे और जब तक हमारा अधिकार हमें नहीं मिल जाता संघर्ष जारी रहेगा। जी बिल्कुल, हमको अभी हमारी पर्यवेक्षक आई थी और हमको धरना स्थल में हमको दिए और बोले कि ये लो आपके लिए बर्खास्ती का लेटर आया करके। हम बिल्कुल बोले मैडम को लेंगे, स्वीकार करेंगे हम। हमको पता है कि हम हड़ताल धरना करेंगे तो हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। हम बिल्कुल अंदर से बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि आप पोस्ट द्वारा हमको भेजिए मैडम, हम उसको लेंगे, स्वीकार करते हैं। और शासन को जो भी करनी है करने, वो शासन का काम है, वो अपने काम करेंगे। हमको जो करना है हम वो करेंगे। धरना स्थल में बैठकों की पूर्ति नहीं होगी तब तक। आगे की योजनाएं क्या होंगी? आगे की योजनाएं हैं, हम अभी 9 दिन नवरात्र है, रोज़ रोज़ नए नए अपना कुछ नया करते रहेंगे। माता की सेवा करेंगे, किसी दिन भजन कीर्तन करेंगे, किसी दिन रामनवमी होगा तो रामनवमी के उपलक्ष्य में हम थोड़ी देर रैली भी निकालेंगे। ऐसे कुछ कार्यक्रम हमारा होते रहेगा और आगे भी चलते रहेगा। अभी ऐसा बहुत भारी कार्य का अभी निर्णय नहीं लिए हैं, बाकी आगे और चलते रहेगा हमारा। सरगुजा जुझारू आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि जिस प्रकार सरकार नोटिस पे नोटिस दे रही है, इससे हम अपनी हड़ताल समाप्त करने वाले नहीं हैं। इस बार सरकार को हमारी मांगों को पूरा करना होगा। 13 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनको अभी नगर निगम द्वारा नोटिस दे दिया गया है। 24 घंटे के भीतर अगर ये अपना ये हड़ताल समाप्त नहीं करती हैं तो इन्हें नौकरी से बर्खास्तगी के ऑर्डर दे दिए गए हैं। आइए इनसे पूरा मामला जानते हैं कि इनके ऊपर अभी क्या बीत रही है और ये आगे आंदोलन जारी रखेंगे। हमारे साथ सरगुजा से जुड़ी हुई हैं, इनसे जानते हैं कि पूरा अभी आगे आंगन ये हड़ताल चलेगा या फिर सरकार की क्या नीतियां हैं, उसे ये कितना प्रभावित है, कितना खुश है। हाँ, हम अपने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं और हमारी सरकार से मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाए। जब तक सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में आगे तक बैठे रहेंगे। हम अपना हड़ताल जारी रखेंगे। शासन का कई प्रकार से हमारे ऊपर दबाव हो रहा है कि आप हड़ताल से वापस चले आओ वरना सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन हम नहीं डर रहे। सरकार क्यों नहीं हमारा सेवा समाप्त कर दे, लेकिन हम 2000 और 4000 में संतुष्ट नहीं हैं। हम हमारे घर के अपने बाल बच्चों का परवरिश इतना में नहीं कर सकते। हम बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे सकते, ना उनका अच्छा पढ़ाई लिखाई, ना कपड़ा लत्ता नहीं दे सकते। हम सरकार से मतलब इतने हताश हैं कि हमारा काम इतना ज़्यादा है और हमारे ऊपर वो ध्यान नहीं दे रही है। गुस्साई कार्यकर्ता ने ये भी कहा कि यदि 5 से 6 हजार में भी किसी का घर चल सकता है तो डॉक्टर रमन स्वयं अपनी लग्जरी लाइफ छोड़कर 6 हजार में गुजर बसर करके बताएं। आज बस बर्खास्त हम लोग दे देंगे तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन हम लोग अपना केंद्र नहीं खोलेंगे, चाहे हमें नौकरी से निकाल दे। हमें संतुष्ट नहीं है हमें 500 में 1000 में। हम तो सरकार को यही बोलते हैं कि 1.5 लाख हम कार्यकर्ता का सहायिका हैं तो उनका 1 महीने का मानदेय हमको देने के लिए तैयार हैं। सभी कार्यकर्ता सहायिका 1 लाख मानदेय, 1 महीने का मानदेय उनको देंगे, उतने में अपना 1 महीने में अपना घर चला के वो देखें। जितने भी कार्यकर्ता हैं सहायिका हैं, क्या 2000 में किसी का घर नहीं चलता है, ना 4000 में किसी का घर नहीं चलता है। हम देने के लिए तैयार हैं, वो 1 महीना बस अपना घर चला के देखे, रमन से चला के देखे और ना ही शासकीय गाड़ी में घूमे। वो भत्ता मिलता नहीं हम लोग को, तो भत्ता भी उनको नहीं मिलेगा,
वो भी अपने इतने ही में का संतुष्ट करके देखे, हम कितना दूर दूर से आते हैं, हमको कहाँ कहाँ हमको ट्रेनिंग में प्रशिक्षण में बुलाते हैं, कुछ नहीं मिलता हम लोग को, अपने पैसे खर्च करके आते हैं, 4,000 रुपए देते हैं उसमें अपना खर्च करके आते हैं। हालांकि इन कार्यकर्ताओं को 24 घंटे में हड़ताल स्थगित न करने पर बर्खास्तगी के आदेश दे दिए गए हैं। अब देखना है कि असंतुष्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों की स्वीकृति होती है या सरकार इसी प्रकार सख्ती बरतेगी। हाय, नमस्ते, दिस इज नेहा वग्गा एंड यू आर वॉचिंग ग्लिप्स न्यूज। हाय, मैं हूँ मनु पंजाबी, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप देख रहे हैं ग्लिप्स चैनल मेरे साथ। So keep watching. Love you guys. Hi, I'm Alok Narula. और मैं हूँ अंशु नरोला और आप देख रहे हैं ग्लिप्स न्यूज।